तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढाबा स्टाइल एकदम ही जबरदस्त पनीर मसाले की रेसिपी। इस सब्जी को एकदम ढाबा स्टाइल घर पर ही बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखें, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना और मीना जोब में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस ढाबा स्टाइल मसालेदार रेसिपी को बनाना। तो फ्रेंड्स, पनीर मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। ये पनीर मैंने घर पे ही बनाया हुआ है। आप पनीर रेडीमेड भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको ये घर पर फ्रेश बनाना हो तो इसके वीडियो की रेसिपी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। मैंने इसे मीडियम साइज क्यूब में कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। इसे अब हम मसालों के साथ मैरिनेट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं इसमें डालूंगी 1/4 छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन मसालों को पनीर के साथ अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे पनीर के पीसीस मसालों के साथ अच्छे से कोट हो जाए। ऐसा करने से पनीर बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो अब हमें इन पनीर के पीसीस को शैलो फ्राई करना है। इसके लिए हम एक कढ़ाई में 1 बड़ी चम्मच घी ऐड कर लेंगे। घी में इसे रोस्ट करने से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। आप चाहे तो घी की जगह तेल या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी थोड़ा मेल्ट हो जाए फिर हम इसमें पनीर के पीसेस ऐड कर लेंगे। इन पीसेस को हमें शैलो फ्राई करना है। इन्हें हम दोनों साइड से हल्का ही फ्राई कर लेंगे। इसे ज़्यादा फ्राई भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये सख्त हो जाएंगे। अगर आप इसे मैरिनेट करके इस तरह शैलो फ्राई करना नहीं चाहते हैं तो आप इसे डायरेक्टली भी ग्रेवी में डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह शैलो फ्राई करने से पनीर फ्लेवरफुल लगते हैं। आपने देखा होगा कि ढाबों में भी इसे इस तरह थोड़ा रोस्ट किया जाता है। तो ये पनीर अच्छे से शैलो फ्राई हो गए हैं। हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने की प्रोसेस की ओर। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और 3 टमाटर। प्याज को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है और टमाटर को ग्रेट कर लिया है ताकि इसकी स्किन निकल जाए, और इस तरह ग्रेट करने से ग्रेवी का टेक्सचर भी अच्छा आता है। आप चाहे तो मिक्सचर में इनकी प्योरी कर सकते हो, लेकिन आज हम ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो इन्हें इसी तरह कट और ग्रेट करके लेंगे। तो नेक्स्ट ग्रेवी बनाने के लिए मैं उसी कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने पनीर को शैलो फ्राई किया था। उसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल और 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। ढाबा स्टाइल में तेल घी का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसे हम यहाँ नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा लेंगे। ये थोड़ा गर्म हो जाए फिर हम उसमें 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 काली मिर्च के दाने, 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 छोटी इलायची जिसको मैंने हाथ से थोड़ा खोल लिया है, और 2 सूखी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। इन खड़े मसालों को हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा भून लेंगे, करीब 1/2 मिनट जितना। ये अच्छे से भून जाए फिर हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। ये चटकने लगे तब हम इसमें कटे हुए प्याज ऐड कर लेंगे। इन प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। इन्हें ब्राउन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे इसी तरह चलाते रहना है। ढाबों में या रेस्टोरेंट्स में इसी तरह इसे ब्राउन किया जाता है जिससे ग्रेवी में एक बहुत ही अच्छा स्वीट फ्लेवर आता है। ये 50% जितना ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें 1 से 1.5 बड़ी चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे।
आप चाहे तो इसे फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसे मिलाकर इसे थोड़ा और ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो अब ये प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें एक बड़ा चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन डालने से ग्रेवी में एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर और बाइंडिंग आता है, जिससे हमारी ग्रेवी सेपरेट भी नहीं होगी। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो सारे ढाबों में और रेस्टोरेंट्स में ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे हम लो फ्लेम पे एक मिनट तक भून लेंगे। ध्यान रहे कि बेसन जल ना जाए, इसलिए फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। बेसन अच्छे से भून जाए, फिर हम उसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, दो छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और दो छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालकर इसे मिला लेंगे। हम यहाँ भी फ्लेम को लो ही रखेंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाए और ये जले भी नहीं। मसाले अगर जल जाएंगे तो सारी सब्जी का टेस्ट कड़वा हो जाएगा, तो इसे लो फ्लेम पर ही भूनें। इन मसाले और बेसन के भूनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। नेक्स्ट अब हम इसमें ग्रेट किए हुए टमाटर ऐड कर लेंगे और इसे सारे मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। साथ में हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, इसे भी मिला लेंगे। अब हम इस ग्रेवी को थोड़ी देर ढक कर लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे, जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो इसे कुक होते हुए 10 मिनट हो गए हैं, इसे चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रेवी में से ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। सारे मसाले भी प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से पक चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें 1/4 कप अच्छे से फेटा हुआ दही ऐड कर लेंगे। दही को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे लगातार लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे। ध्यान रहे कि दही खट्टा ना हो और ये अच्छी तरह से फेटा हुआ होना चाहिए। बाकी का दही भी ऐड कर लेंगे। इसे लगातार चलाते रहना है ताकि दही फट ना जाए। इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए पकने देंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर लेंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और साथ में स्लिट की हुई 1 से 2 हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे पहले ही प्याज के साथ डाल दें। फिर हम एक बड़ी चम्मच कसूरी मेथी को हाथ से इस तरह मसल कर डाल देंगे। कसूरी मेथी को मैंने पहले थोड़ा सा भून लिया था, इससे सब्जी का फ्लेवर बढ़ जाएगा। साथ ही में आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। फिर हम इसमें हमारे शैलो फ्राई किए हुए पनीर ऐड कर लेंगे। साथ ही में थोड़ा हरा धनिया और थोड़ा बटर ऐड कर लेंगे। बटर डालना ऑप्शनल है, लेकिन इसे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। बटर की जगह आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसे हल्के हाथों से मिला लेंगे। और इसे ढककर 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। पनीर भी सारे मसाले और ग्रेवी के साथ अच्छे से कोट हो गया है। और आप देख सकते हैं कि ग्रेवी का कलर और टेक्सचर भी कितना बढ़िया आया है। मैं आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। हमने जो दही और बेसन ऐड किए थे उससे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी और टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आ गया है। दही भी अपना तेल छोड़ने लगता है। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी गाढ़ी या पतली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ठीक ही रखी है, क्योंकि ढाबे में भी इसी तरह की कंसिस्टेंसी होती है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे।
तो तैयार है हमारी एकदम परफेक्ट ढाबा स्टाइल पनीर मसाले की सब्जी। इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। ये एकदम ही जबरदस्त टेस्टी और मसालेदार बनके तैयार हुई है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी, पराठे, नान या कुलचे किसी के भी साथ एंजॉय करें। ये सब्जी राइस के साथ भी बहुत अच्छी जाती है। तो आप भी इस जबरदस्त ढाबा स्टाइल पनीर की सब्जी को घर पर जरूर ट्राई करें और कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन क्लिक करें, और ना लगी हो तो डिसलाइक का बटन क्लिक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।